मोहम्मद अहमद बरनी साहब से आपने बड़ी तफसीली गुफ्तगू सुनी। सामी इकराम, जैसे मैंने पहले आज किया है, हजरत वाला की फ्लाइट है 2:50 पर, उन्हें गुरुग्राम में पहुंचना है। उन्होंने हमारी इस गुना गुमसियात के बावजूद आप उसको कबूल किया और यहाँ पर तशरीफ लाए। बस 2 मिनट के लिए ब्रादर अशफाक से कहता हूँ कि वे 2-3 अशआर पेश करेंगे और उसके बाद जरूर क्या किया। इरशाद कोई सलीका है आरज़ू का, ना बंदगी मेरी बंदगी मैं करूंगा, मैं करूंगा ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है कोई सलीका, अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहा जिस पुल खता की किस्मत, अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहा जिस पुल खता की किस्मत, मैं इस करम के कहाँ, मैं इस करम के कहाँ काबिल, हजूर की बंदा परवरी है कोई सलीका। जज़ाकअल्लाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। मुस्लिमीन की तरफ से और आप सब की तरफ से कविंदर गुप्ता जी, राजेश गुप्ता जी, गुरचैन सिंह चालक जी, जो हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए, उनका मशहूर हूँ, उनका ममनून हूँ, उनके आने को कदर की निगाहों से देखता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि जो कोशिश हमारी है यहाँ पे एक गुलदस्ता बना रहे, हिंदू मुस्लिम भाईचारा न सिर्फ यहाँ इस रियासत में, इस देश में बना रहे, उसकी कोशिशें हम सब की है, क्या के जिम्मेदारान की है, खासतौर पर गुरचैन सिंह चालक जी और कविंदर जी और हमारे राजेश गुप्ता जी, हमेशा इस मंच पर आगे आगे रहते हैं। तो मैं उनको खैर मकदूम करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी वो हमारे साथ शारा बशारा इसी तरीके से खड़े रहेंगे जैसे उन्होंने पहले शानदार इस चीज का मुजाहरा किया। मैं बगैर किसी तमहीद के हजरत मौलाना रहमतुल्लाह मीर कासमी साहब, जो इस रियासत में बहुत बड़ी एक इल्मी तारीफ भी है, फिका के उन्वान से देखें, इल्म के फैलाने के उन्वान से देखें, कुरान की खिदमत की उन्वान से देखें, मदारिस के सिलसिले को चला रहे और उनकी फिक्र के बारे में देखें, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हवाले से देखें, हजरत की शख्सियत है गुनागु औसाफ कमालात से भरी, अल्लाह ताला की जिंदगी में बरकत करे और जिन जिन मसाइल जमीला के साथ वो जुड़े हुए, उनकी इल्मी खिदमत, फिक्री खिदमत, कहीं जो उनकी खिदमत, उन सब को हम कदर की निगाह से देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब हजरात की दुआएं के शामिल हाल रहेगी और उनकी सरपरस्ती हमारे शामिल हाल रहेगी। जम्मू के इस माहौल के अंदर हमेशा उन्होंने हमारी दावत को कबूल किया और यहाँ पर तशरीफ लाए। मैं जनाबे वाला का अजमेरमुसलिम की तरफ से, एलियार जम्मू की तरफ से दोबारा मशगूल हूँ और गुजारिश करता हूँ कि अपना बयान शुरू हजरत मौलाना रहमतुल्लाह।
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين حبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه حريص عليكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم نحسنش غايت داران نہ حسنش غایت دارت نہ سعدی را سخن پایا نہ حسنش غایت دارت نہ سعدی را سخن پایا بمیرد تسنا مستسقی و دریا ہم چنا باقی محمد کی محبت محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سٹیج پر تشریف فرما ہمارے معزز علماء کرام پورے ملک سے آئی ہوئی گران قدر شخصیات اور ہماری ریاست کے معزز مہمانان اور اس مجمع میں موجود میرے پیارے بھائیوں اور جن تک آواز پہنچ رہی ہے ہماری ماں و بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مجھے اس بات کا بہت احساس ہے رات کو بھی اپنے عبد المجید صاحب نے اور اس وقت بھی ہمارے انعام سر صدیقی صاحب نے شکوہ کیا وقت کی کمی کا جو میں لے کر آیا ہوں اور مجھے احساس ہو رہا ہے اپنی اس کوتاہی کا لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ یہ دور مشینی دور ہے اور عمریں مختصر ہو چکی ہیں دوڑ بھاگ زندگی کا شیوا بن چکا ہے لمبے لمبے کاموں کو گھنٹوں منٹوں بلکہ سیکنڈوں میں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر لمحات میں نمٹانا پڑتا ہے ایسے میں جانتا ہوں جموں کا حق ہم پر بنتا ہے بہت بنتا ہے جب ہم دیوبند پڑھنے جاتے تھے تو یہاں کا دانا پانی چگے بغیر آگے نہیں جا سکتے تھے
यहाँ की रिहाइश इख्तियार किए बगैर आगे नहीं जा सकते थे। वापस आते हैं तो ठहर कर ही जाना होता है, और अगर कभी पीर पंचाल पर बर्फ ने कर्म फरमाई कर दी हो तब तो जाने कितने दिन और कितने हफ्ते यहाँ गुजारने पड़ते हैं। हमारी आम कहावत है कश्मीरी में, कहते हैं जो कहीं का हक नमक हुआ फिर उसका एहसान पूरी जिंदगी नहीं उतरता। तो जहाँ कितने अयाम ऐसे गुजारे हूँ, फिर वैसे थे वतन के हुकूक, तो बहुत सारे हुकूक जम्मू के हम पर हैं, उसमें मुझे एहसास है कि वक्त काफ़ी देना चाहिए था, लेकिन जो हजरत वाकिफ है हमारी दौड़ भाग से वो जानते हैं कि यहाँ के प्रोग्रामों को किस तरजीह की निगाह से हम देखते हैं और हाजिरी की भरपूर कोशिश करते हैं। इसलिए सबसे पहले मैं माजरत चाहता हूँ उस किल्लत वक्त की जो इस वक्त मेरी तरफ से दरपेश आई, और ये नियत तो रात ही कर ली जब मजीद साहब ने प्यारी डांट पिलाई थी। डांट ही क्या है, बड़ों की बात भी डांट है। उन्होंने पिलाई कि इतना मुख्तसर वक्त लेकर आए। मैंने उस वक्त नियत की, मैंने अर्ज़ किया कि मजीद साहब इंशाल्लाह आइंदा ख्याल रखूँगा, पहले हुई ये माजरत। उसके बाद ये लम्हात जो हमारे उस एक काम में गुजर रहे हैं कि इस वक्त तो हम उसको नहीं समझ सकते, बल्कि जिन लोगों का ये यकीन है कि हमारी इस जिंदगी का आगे कोई हिसाब भी है और इन लम्हात का आगे कोई अजर सवाब या अजाब मिलने वाला है, जिन लोगों का इस बात पर यकीन है वो जानते हैं कि हमारे लम्हात जो आज इस शामियाने में गुजर रहे हैं और इस मजलिस में गुजर रहे हैं ये अल्लाह की बारगाह में हमारे बहुत ही कीमती लम्हात हैं। अल्लाह करे ये हमारे आमाल नामे में मौजूद हूँ। उस वक्त जब हम देखेंगे इन मुख्तसर लम्हात का नफा तो हमारा जी चाहेगा क्यों हमने ज्यादा से ज्यादा वक्त यहां खर्च नहीं किया। ये मुल्क ऐसे ही लोगों का रहा है जिन्होंने इन चीजों को हमेशा दिल से माना है। वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हों, उन्होंने हमेशा इस दुनिया को छोड़कर जाने के बाद आइंदा आने वाली जिंदगी के तस्वुर को माना है, उस पर यकीन रखा है, और उसकी वजह से यहाँ की अकदार दूसरों से डिफरेंट हैं, मुख्तलिफ हैं। ये जो दुनिया में आज इतनी बेचैनी है, हर चीज़ है, इस मशीनी दौर में किसी चीज़ की कमी नहीं, किसी सहूलत की कमी नहीं, किसी आसाइश और आराम की कमी नहीं, मगर दिल का चैन और सुकून जो खो गया है वो उसी दिल के अकीदे और यकीन की वजह से जो इंसानियत के लिए इस कायनात को बनाने वाले उस प्यारे मालिक ने लाजमी और ज़रूर करार दिया था और ये कहा था कि इसका ध्यान रखना, इस दुनिया में जो काम भी कर्म भी तुम करोगे कल को उसका जवाब देना होगा। इस तस्वुर के साथ लोग जीते थे तो उनके तमाम कामों का अंदाज एक दूसरा ही हुआ करता था। जाहिर सी बात है कि हम लोग जब ऐसी किसी मजलिस में बैठते हैं जिसके बारे में हमारा यह तस्वुर होता है कि इस मजलिस को कल को हमारे काम आना है, और ये मजलिस और हमारे ये घंटे कल को हमें कोई नफा पहुंचाने वाले हैं और इसका कोई बेनिफिट हमें हासिल होने वाला है, और वो होता है इतना ज्यादा हमारे अकीदे के एतबार से जिसको हमने किताबों में पढ़ा, अपने पैगंबरों से अवतारों से सुना, जिसको हमने उनसे सीखा, जब इस यकीन के साथ हम किसी मजलिस बैठते हैं तो हमारे दिल का जज्बा दूसरा ही होता है। यही वजह है हम इन मजलिसों में हाथ मुंह धोकर आते हैं और शौक रखने वाले गुसल करके आते हैं, नहा धोकर आते हैं, अच्छा कपड़ा पहनकर आते हैं, साफ पाक कपड़ा इस्तेमाल करते हैं,
क्योंकि ये वो अखदार हैं जिनको हमारे मजहबों ने, हमारे धर्मों ने हमको अता किया है और जिनकी वजह से इस कायनात का सिस्टम सही और सही चलता है। अगर दुनिया में इस लाइन से लोग हटना चाहते हैं और उस रास्तों को इख्तियार करना चाहते हैं तो ये मेरा और आपका काम है कि हम मोहब्बत के साथ पूरी दुनिया को बता दें कि तुम किस डिगर पर जा रहे हो, तुम किस लाइन को इख्तियार कर रहे हो। आ जाओ, दिल का सुकून, चैन, शांति इस जगह है। खुसूसन ऐसी लाइन जिसने इब्तिदा से आने वाले लोगों को माना। कोई मुसलमान मुसलमान हो नहीं सकता जब तक वो दुनिया में सबसे पहले आने वाले पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाए। अगर कोई दुनिया में आदम का इनकार करता है, लाख वो नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता हो, ईमान मुकम्मल नहीं होगा, क्योंकि हुजूर ने कहा है कि सबसे पहले पैगंबर आदम है, इस दुनिया में सबसे पहला इंसान आदम है। उसकी इस बात को मना कर देगा फिर वो मोहम्मद का मानने वाला हो नहीं सकता। हम कहते हैं हुजूर का उम्मती वही होता है बिमा जा बिहिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो ईमान लाएगा उन तमाम बातों पर जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया बताया, उन पर ईमान लाएगा। इसलिए दुनिया में अगर कोई आदमी हजरत नूह अलैहिस्सलाम का इनकार करता है फिर कहता है मैं मुसलमान हूं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब उसको कह देगी कि तुम हमारे दामन में पूरे नहीं आए। ठीक है, मूसा अलैहिस्सलाम यहूद के पैगंबर हैं, उस जमाने में आए, उन्होंने तस्लीम किया, लेकिन कोई ईमान वाला मूसा अलैहिस्सलाम का इनकार कर नहीं सकता, इसलिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को बयान किया है। उनके लाए हुए पैगाम कुरान में ये बात मौजूद है कि मूसा अल्लाह के पैगंबर थे, अल्लाह की तरफ से आए और अल्लाह की किताब तौरात लेकर आए, इसलिए मोहम्मद के मानने वाले को मूसा अलैहिस्सलाम को मानना पड़ेगा। ठीक है, ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को ईसाई और नसरानी कहते हैं, लेकिन मोहम्मद के मानने वाले को ईसा पर ईमान लाना होगा, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि मुझसे पहले ईसा आए हैं और वो खुदा की किताब इंजील लेकर आए हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि ये जितने लोग आए अपने अपने वक्तों पर हक तालीम लेकर आए, सही तालीम लेकर आए, वो परफेक्ट थी और उस जमाने के बिल्कुल मुताबिक थी, बिल्कुल उस तरह पर जिस तरह से एक छोटा बच्चा जो एक साल का एक महीने की उम्र का है उस वक्त उसको जो ड्रेस देते हैं वो उसके बदन पर बिल्कुल फिट होता है और सही होता है और पक्का होता है, लेकिन जब वो टीन एज में पहुंचता है तो उसको नए ड्रेस की जरूरत पड़ती है, तो उस वक्त का पैगंबर उस वक्त की शरीयत लेकर आई और वो उस पर बिल्कुल फिट था, उसमें कोई चीज गलत नहीं थी। जब उससे आगे बढ़ता है तो फिर दूसरा पैगंबर आया और दुनिया आगे बढ़ती गई, वो उस एज से आगे निकल गया, मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त की शरीयत लेकर आए, वो जमाने में बिल्कुल परफेक्ट थी, फिट थी और उम्मत के लिए बिल्कुल बराबर थी, लेकिन उन्होंने कह दिया जितने आने वाले थे। कहा जाता है, किताबों में लिखते हैं कि 1,25,000 ऐसे खुदा के पैगंबर और अवतार और नबी और रसूल आए, 1,25,000 की तादाद कोई छोटी नहीं होती। और कुरान ने कह दिया वलिकुल कौमिन हाद, हर कौम में रास्ता दिखाने वाला आया। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि दुनिया में कहीं नहीं आया, बल्कि हर जगह आए हैं, चाहे हमें उनके नाम याद हो या ना हो, चाहे हमें उनकी गिनती याद हो ना हो। और कुरान ने यह भी कह दिया कि अल्लाह ने जितने भी ये भेजे हैं, हमारे बनाने वाले ने जितने भी ये पैगंबर भेजे हैं, ये सब के सब एक से मानने होंगे। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुली, हम अल्लाह के भेजे हुए इन पैगंबरों इन अवतारों में किसी में तफरीक और जुदाई नहीं कर सकते, सब को हम मानते हैं। लेकिन हमारी किताब ये भी बताती है कि इनमें से जो आते रहे वो ये ऐलान भी करते रहे
कि मैं लेकर आया हूं और तुम मुझको मानोगे, अपने बनाने वाले मालिक की बात मानोगे, अच्छे काम करोगे तो जन्नत में मिलेगी। साथ साथ ये कहते थे कि दुनिया आगे बढ़ रही है, इस सिस्टम को मुकम्मल करने वाला एक आएगा, उसका नाम होगा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसने हमको इनका तारुफ कराया, जिसने हमको ये बताया कि ये सब लोग खुदा के बंदे हैं, नेक हैं, उसके भेजे हुए हैं, उसी ने हमको ये भी बताया कि वो लोग ये पैगाम देते रहे। इसीलिए कुरान पाक के 28वें पारे में सूरह सफ में मौजूद है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा, वमुबशरम बिरसूलि याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, कि उन्होंने पैगाम दिया, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे बाद एक पैगंबर आएगा, उसकी बशारत में तुमको देता हूं, इस्मुहु अहमद, उनका नाम अहमद होगा। और ये सब लोग हिस्ट्री पढ़ने वाले जानते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जैसे मोहम्मद मुस्तफा था, ऐसे ही उनका मुबारक नाम अहमद मुज्तबा भी था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बताते गए, इसलिए जब आप आए, प्राणी संस्कृत की किताबों में जो कल की अवतार का तज़किरा है उसको दुनिया मानती है, उसकी तशरीहात उन किताबों के माहिरीन ने लिखी हैं, जब पढ़ते हैं तो सब तबकों ने यह बताया है कि इस तरह आने वाला है। और जब वो आए, वो दिन था अरफात में, मैदान में सब लोग जमा थे लाखों, और ये आयत नाजिल हुई जिसको मैं और आप तिलावत करते थे, उन्होंने ऐलान कर दिया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम वअतममतु अलैकुम निअमती वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज मैंने इस किताब को मुकम्मल कर दिया, मैंने इस चैन को मुकम्मल कर दिया, मैंने इस सिलसिले को मुकम्मल कर दिया, इसका आखिरी एडिशन मैंने भेज दिया किताब का, और मैंने तुम्हारे लिए ये दीन पसंद किया, और इस दीन को उस वक्त दुनिया में पहुंचाने के लिए मुतय्यन हो गए थे, ऐलान हो गया था 40 साल की उम्र में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी का। इसलिए उस वक्त के तौरात के माहिर लोगों ने, उलमा ने, यहूदी उलमा ने आके ईमान वालों को ये बात बता दी थी कि एक ऐसी आयत आज नाजिल हो गई है जिसका हजारों सालों से इंतजार था, अगर हमारे जमाने में आयत आती तो जिस दिन यह आयत नाजिल हुई हम इस दिन को खुशी का दिन यौमुल ईद मनाते, क्योंकि हजारों साल की एक पेशिन गोई जो मुसलसल दी जा रही है उसका ऐलान आज हो रहा है। लेकिन ये खुशनसीबी आज के दिन को इस मकाम पर और इस नबी को हासिल हुई, और इससे बड़ा एजाज कोई हो नहीं सकता। मैं अपने इस मुख्तसर वक्त में बहुत आसान जुबान में अपने भाइयों को सिर्फ यही एक बात बताना चाहता हूं कि जब उस मालिक ने हमको इस फिजा में पैदा किया कि हम किसी का इनकार करने वाले नहीं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हम सबको मानने वाले हैं, और हमको ये एजाज नसीब हुआ कि उसने गैब से हमको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में पैदा किया, क्या ये मुमकिन नहीं था वो हमें सबसे पहले जमाने में लाते, आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में? क्या ये मुमकिन नहीं था वो हमको नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में लाते? क्या ये मुमकिन नहीं था वो हमको मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में लाते? क्या ये मुमकिन नहीं था वो हमको ईसा के जमाने में लाते? ये मुमकिन था वो हमको इब्राहिम के जमाने में लाते, इस्माइल के जमाने में लाते, याकूब को दाऊद के जमाने में लाते, किसी जमाने में वो हमको ला सकते थे। लेकिन उन्होंने हमारे साथ ये खास मामला फरमा दिया कि हमको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। इल्म की किताबों में ये बात वाजह की जाती है कि दुनिया में इस वक्त जितने भी इंसान हैं, जितने भी इंसान हैं, चाहे वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हों या न मानने वाले हों, उन दोनों को उम्मत कहा जाता है। मानने वालों को भी उम्मत कहा जाता है और न मानने वालों को भी उम्मत कहा जाता है। पढ़े लिखे लोगों को इस मसले को समझना चाहिए, मानने वालों को
उम्मते इजाबत कहा जाता है कि उन्होंने उस दावत की इजाबत कर ली, उस बात को समझ लिया और कबूल कर लिया। और जो नहीं मानते हैं उनको भी उम्मत कहा जाता है, वो भी हुजूर के उम्मती माने जाते हैं, उनको उम्मते दावत कहा जाता है। उम्मते दावत का मतलब यह है कि यह बात उम्मते इजाबत को उन तक पहुंचानी है कि अल्लाह के बंदो ये किताब आपके लिए भी है, ये पैगंबर आपके लिए भी है, क्योंकि हम और आप एक मां बाप की औलाद हैं और इस बात को हम तस्लीम करते हैं कि पूरे आलम की तमाम आबादी ये एक आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी दिन में, जिस दिन इस कायनात में ये पैगाम आया कि आज हमने इस चैन को मुकम्मल किया, जिस दिन अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम का पैगाम आया, उसी दिन यह बात भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, फरमाया अला, गौर से सुनना, ध्यान देना, जैसे इंग्लिश में आपके नोट ऑफ इंट्रोगेशन होते हैं, इसी तरह से अला का लफ्ज अरबी में तंबी के लिए होता है, ताकि आगे जो बात बयान की जाए उसको ध्यान से सुना जाए। इसलिए अला का तर्जुमा उर्दू वाली जुबान में खबरदार करते हैं। इस जुमले को बयान किया गया, अला कुल्लुकुम बनी आदम, कयामत तक आने वाले इंसानों और पूरी दुनिया में रहने वाले इंसानों, इसको ध्यान से सुनो, अला खबरदार। आगे क्या जुमला दिया, कुल्लुकुम मिन कुल्लुकुम बनी आदम, तुम सब के सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो, वा आदम मिन तुराब, और आदम मिट्टी से पैदा किए गए हैं। और उसके बाद जो दूसरी हिदायत है उसमें यह बात बयान कर दी गई, ला फजला ले अरबियन अला आजमियन, किसी अरबी को किसी गैर अरबी पर कोई बढ़ोतरी और अफजलियत नहीं है। यह नहीं कहा जाएगा वो अरब है इससे इसलिए बहुत बड़ा है, और ये अरब वाला नहीं है इसलिए ये छोटा है। ये कानून बयान कर दिया आलमी सतह का कि जात पात और ऊंच नीच इसकी दुनिया में कोई गुंजाइश नहीं है। 1,25,000 के मजबे में इस बात का ऐलान कर दिया और ये कहा, कुल्लुकुम बनी आदम, तुम सब आदम के औलाद हो, वह आदम मिन तुराब, और आदम मिट्टी से पैदा हुए हैं। और ये बता दिया, ला फजल अलअरबीन अला आजमीन, किसी अरबी को किसी गैर अरबी अजमी पर कोई फजीलत नहीं है, बल्कि क्या कहा, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, जिस इंसान के अंदर जितनी अच्छी सिफात होंगी, जिस इंसान ने एनालिसिस किया है इन सारी हिदायात को, उन्होंने अलग से बयान कर दिया है कि जानवरों की क्या क्वालिटीज होती हैं, अगर वो क्वालिटी इंसान में आई तो शक्ल के एतबार से वो इंसान है, लेकिन क्वालिटी उसके अंदर अगर सींग मारने की है, पैर मारने की है, वो अपने को इंसान न समझे, बल्कि वो किताब में जानवर ही लिखा मिलेगा। अगर किसी के अंदर ये क्वालिटी है और उसमें लिखा है कि जब ये इंसान गिरता है, नीचे जाता है, पहले जानवर की शक्ल इख्तियार करता है, जानवर के अंदर दो क्वालिटी हैं, वो जब कहीं मुंह मारेगा पहले देखता है मुझे कोई देख तो नहीं रहा, कोई मुझ पर पत्थर तो नहीं उठा रहा, इसीलिए देखा होगा बच्चा पत्थर की तरफ लककता है और चिड़िया एकदम भाग जाती है। लेकिन ये आदमी जब इस लाइन से गुजरता है फिर इसी सूरत पर नहीं रहता, बल्कि और डाउन हो जाता है, फिर यह ऐसा हो जाता है जैसे सड़क में जाने वाला घोड़ा सब्जी वाले की टोकरी में मुंह मार देगा, सब्जी वाला डंडा भी बजाता है, जूतों से लातें भी मारता है, वो उसकी लात भी खाता है, डंडा भी खाता है, वो कहता है तेरी लात से मेरा कुछ बिगड़ता नहीं, तेरे डंडे से मेरा कुछ बिगड़ता नहीं, मैं जलील हुआ तो हुआ, मुझे तो मुंह मारने से गर्ज है, मुझे लुकमा चाहिए, चाहे वहां से मुझे मिले जहां से लेने की मुझे इजाजत है, चाहे वहां से मिले जहां से लेने की इजाजत नहीं। तो जो आदमी इस पोजीशन में चलता है, चाहे वो किसी बड़ी कुर्सी पर बैठा हो, चाहे वो दुकान पर बैठा हो, चाहे वो खेत में खेती करने वाला हो,
वो शक्ल से तो इंसान है लेकिन असल में वो होता है उसी घोड़े बैल की हयात में, जो अमल उसने किया है, जो कैरेक्टर उसका है। लेकिन लिखा है कि फिर इसी पोजिशन पर नहीं रहता, ये बिगड़ते बिगड़ते और नीचे चला जाता है, फिर ये ऐसा बन जाता है जैसा रीच। घोड़े ने खाया, उसने थोड़ा बहुत लिया, चिड़िया ने लिया, अपने म्यादे के बकदर लिया, लेकिन ये रीच जब किसी पर हाथ मारता है, ये उसका खून ही पी जाता है, उसकी शक्ल ही बिगाड़ देता है, फिर ये इंसान उस सतह पर चला जाता है। जब इसकी अच्छी सिफात खत्म हो जाती है, फिर इसकी शक्ल भी ऐसी होती है, इसको सामने नजर नहीं आता, मेरे सामने यतीम खड़ा है, इसके बाप नहीं मां नहीं, मेरे दिल में इसके बारे में हमदर्दी होनी चाहिए, इसके जहन में ये बात नहीं आती मेरा पड़ोसी ये बेवा है, इसके शोहर कब का मर चुका है, ये गरीब औरत, मुझे इसके साथ नरम रहम का मामला करना चाहिए, नरमी का मामला करना चाहिए। ये अगर कोई ऐसा है जो मुन्ना है, जिसके बचपन में इसका बाप चला गया है, ये आया है अपने टूटे फूटे 10 रुपए लेकर, मुझे इसके सर पर हाथ रखना चाहिए, क्योंकि पैगंबर ने कहा था अगर तुमने किसी यतीम के हाथ पर सर रखा, जितने उसके सर के बाल तुम्हारे हाथ के नीचे आएंगे उतने तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएंगे। लेकिन जब वो इस क्वालिटी को छोड़ चुका और उसके सामने जो आया, उसने सोचा मुझे इसके हक को खा ही जाना चाहिए, चाहे ये मेरा भतीजा है, चाहे ये मेरा पड़ोसी है, तो लिखा है उसकी शक्ल फिर वो रीच जैसी किताबों में हो जाती है, और इसी लेवल पर वो नहीं रहता, वो नीचे चला जाता है, यहां तक कि एक वक्त आता है उसका काम है सिर्फ दूसरे को देखकर जलना और उसको किसी तरह तंग करना। जैसा सांप, जैसा बिच्छू, सांप डंक मारता है, बिच्छू डंक मारता है, चिड़िया ने कुछ चुग लिया उसके पेट में गया, घोड़े ने कुछ खाया टोकरी में मुंह मारा उसके पेट में कुछ गया, रीछ ने हाथ मारा तो कुछ उसके पेट में गया, खून चूस गया, शेर कुछ तो गया पेट में, ये सांप जो डंक मारता है इसके पेट में क्या गया, ये बिच्छू जो डंक मारता है इसके पेट में क्या गया। तो ये इंसान उस सतह से नीचे चला जाता है, अब ये देखता है उसको प्रमोशन क्यों हुई, कैसे मैं उसको डंक मारूं, उसको मेरिट क्यों आया, कैसे मैं उसको गिराऊं, वो क्यों सीट ले गया, कैसे मैं उसको जलील करूं, क्यों उसकी दुकान मेरे सामने अच्छी चल रही है, कैसे मैं उसको नुकसान पहुंचाऊं, क्यों उसका खेत ज्यादा लहरा रहा है। जब किताब से इंसानों का ताल्लुक कट गया और अकीदों से इंसान का ताल्लुक कट गया, ये बात तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिस्टम के लाने वाले आखिर ने बयान कर दी थी। एक जवान से कहा कि देख अपने उस बूढ़े बाप को और बूढ़ी मां को धक्का न देना, माया वो जवान बेटा वो जवान बेटी जो महज प्यार से अपने बूढ़े बाप के रातों को जागती थी, मुझे बुखार होता था, इसको नींद नहीं आती थी, ये मेरा वो भाई। सीरत के लफ्जी माना आदत के हैं, तौर तरीके के हैं, और सीरत ने इंसान की तरबियत की है, और इस सीरत की बुनियाद है मोहब्बत पर। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत का दर्स दिया, इसलिए हदीस में फरमाया ला यूमिनु अहदुकुम तब तक ईमान कामिल नहीं होगा। उठाओ उनके हदीसों को, वहां आपको नसई में रिवायत मिलेगी, आपको तिर्मिजी में रिवायत मिलेगी, आपको अबू दाऊद में रिवायत मिलेगी। और तुम किसी पार्टी में बैठे हो, दाएं बाएं कोई आदमी है, तो एहतियात करना तुम्हारी छींट किसी दूसरे की तरफ न जाए, इसलिए अपने दाएं बाएं अपना हाथ रख लो। ये तहजीब कौन सिखाता है, ये तहजीब कौन सिखाता है कि इंसान कैसा बनेगा। नसई शरीफ को खोल के देखें, वहां फरमाया अल्लिमुकुम कमा युअल्लिमु आबाउकुम, मैं तुमको ऐसे सिखाता हूं और मैं सिर्फ अपना होने की वजह से इसको बचाऊंगा। साफ फरमा दिया, कितनी प्यारी थी बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सलाम हो उस फातिमा को, कितनी तकलीफें उठाई, उन दुनियावी तकलीफों का इतना फिक्र नहीं किया। आप पढ़ेंगे अहादीस में, ये जो हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा है, इनको माँ ने पहना दिए थे,
कंगन हाथ में, और वो थे सोने के, जो मर्दों के लिए इजाजत नहीं है। कवानीन बयान कर दिए, मर्द क्या पहन सकता है, औरत क्या पहन सकती है। जब देखा तो उनके दस्त मुबारक से निकाल दिया। ये नहीं देखा नवासा नाने को कितना प्यारा होता है। तस्वर कीजिए उन रिवायात का कि आप नमाज में जा रहे हैं सजदे में, और हसन चढ़ गए कमर पर, तो उनकी रियायत में सजदे को लंबा कर दिया। लेकिन इस वक्त तरबियत का मामला था। तरबियत के मामले में हजरत सौबान रज़ियल्लाहु की रिवायत है, जब आए हैं सफर से और पहले जाते थे इस प्यारी बेटी के यहां, सामने आए हसन हुसैन और उनके हाथों में कंगन देखे, फौरन निकाल कर तोड़ दिए। वो बच्चे थे, रोते हुए अम्मा के पास गए, शिकायत करी। लेकिन मेरे भाइयों दोनों रुख को देखो, यहां गलती से बचाया। सौबान कहते हैं मुझे कहा जल्दी बाजार से आज, जैसे आज प्लास्टिक की चीजें बनती हैं, उस वक्त जानवर समंदरी जानवरों की हड्डियों की और दांतों की चीजें बनती थी, कहा उसकी चीजें दो ले आओ ताकि ये बच्चे उनको खेल सके। उनके दिल का भी ख्याल किया और अल्लाह के कानून का भी ख्याल किया। इस वक्त मेरी और आपकी सबसे बड़ी जरूरत यह है, ये जो सिस्टम हमारे घरों में था इस्लाम का सिस्टम, वो हमारे घरों से रुखसत हो चुका है। मैं आपको दाएं बाएं के फलसफे नहीं सुनाना चाहता, मैं चाहता हूं उस बात की तरफ आपको मुतवज्जे करना जिसकी वजह से कल को मुझे और आपको अल्लाह के यहां जवाब देना होगा। जम्मू में बसने वाले मुसलमानों से सवाल होगा, तुम्हारे पड़ोसी इतने थे जो मोहम्मद को नहीं जानते थे, अगर उन्होंने गुस्से से कुछ कहा उसमें गलती तुम्हारी है, तुमने उनको पहचान नहीं कराई कि मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत क्या थी, तुमने उनको नहीं बताया मोहम्मद ने दिल को कैसा रखने को लिया। हुजूर ने क्या फरमाया उस जिम्मी की तरफ से, उस गैर मुस्लिम की तरफ से, ए ईमान वाले मेरे उम्मती, मैं अल्लाह के यहां तुम्हारे खिलाफ दावा दायर कर दूं। और आपकी जिम्मेदारी है, हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को ना खुद पढ़ा ना दुनिया तक पहुंचाया, ना हमारे घरों में वो सिस्टम मौजूद है। मुझे माफ करना मेरे भाइयों, ये मेरे दिल की आवाज है, क्या ये हकीकत नहीं है, जब हम दुनिया में आते हैं हमें सिस्टम ये मिला था तरबियत का कि अपने बच्चों की तरबियत करना, तब तक उसको दूध न पिलाना, मुंह में दूध नहीं डालती। पड़ोसी बहनें आती हैं, बहन मुबारक हो, गुलाब जैसा बच्चा, चांद जैसा बच्चा, क्यों रुला रही हो, माएं तो बच्चों के रोने करती। हमारी मां का जवाब होता है जी चाहता है दूध दे दूं, छाती मेरी दूध से भरी हुई है, लेकिन बहन अभी इसके कान में अजान नहीं दी गई। ये सिस्टम हमको दिया था और उसके बाद हमारे घरों का ये सिस्टम था, बच्चा रोने लगे तो उसको मालिक का नाम ले दो, उसको अल्लाह अल्लाह करो, बच्चा सो ना सोए उसको अल्लाह अल्लाह करो, बच्चे को टहलाना हो उसको मालिक का नाम याद दिला है। 2 साल के 730 दिन होते हैं, हर दिन में मां अल्लाह का नाम इस बच्चे पर लेती थी कम से कम 1000 बार, 1000 बार अल्लाह अल्लाह होती थी। 730 दिनों में मिनिमम 730,000 मरतबा अल्लाह का नाम इस बच्चे के सामने लिया जाता है, तो क्या उसके कल्ब की हालत ठीक ना होती। यह हमारे घरों का सिस्टम था, और जब यह लड़का जवान होता था उस वक्त इसके दिल पर असर होता था, यह दूसरे की बहू बेटी को अपनी बहन समझता था या अपनी निगाह उस पर नहीं उठाता था। क्या आज हमारा यह हाल नहीं है, हमारे जवान स्टैंड पर खड़े रहते हैं मेटाडोर के लिए, कोई एक लड़की आती है 20 के 20 जवान उसको ताकने लगते हैं, क्या इसकी इजाजत है। ऑफिस में फीमेल स्टाफ हमारे यहां सारा मुल्क अब मखलूत हो गया है, स्कूल भी मखलूत हो गए, सारी अबदार खत्म हो गई, सिस्टम बदल दिया गया, क्या हालत है। क्या आज उस बच्ची को बहन समझता है कोई, उनके दिलों से पूछो, जुबान पर होता है तू बहन है, दिल में कोई और चोर होता है। इस वजह से कि हमारा सिस्टम बिगड़ चुका,
हमारी माँ जिस वक्त कोई मांगने वाला आता था वो जानती थी, देहात के लोग खूब जानते हैं, शहर के लोग तो पैसा देती थी, गांव देहात के लोग कप में प्याले में कटोरे में थोड़ा आटा थोड़ा चावल डालते थे। जानती थी माए ये बच्चा इस कटोरे को लेकर चल नहीं सकता, लेकिन थमाती थी उसी के हाथ में और दो तरफ से उसका हाथ पकड़ के उस साइल तक ले जाती थी। तीन बातें उससे माँ कहा करती थी कि दे दो इसको, बच्चे के जहन में बचपन से आता है मुझे मांगना नहीं है, मैं तो देने वाला आया हूं। उसकी निगाह किसी की दुकान की तरफ नहीं उठती, किसी की कुर्सी की तरफ नहीं उठती, किसी के प्रमोशन की तरफ नहीं उठती, किसी के मेरिट की तरफ नहीं उठती, उसकी निगाह किसी के झांक के छीनने की तरफ नहीं उठती थी। और दूसरा जुमला कहती थी दाएं हाथ से देना। इस बच्चे को उम्र भर याद रहता था मुझे हर अच्छा काम दाएं से करना है, बाएं से तो मुझे नाक साफ करनी है, बाएं से तो मुझे टिश्यू इस्तेमाल करना है। और फिर तीसरी बात कहा करती थी बिस्मिल्लाह कहकर दे दे। कोई किसी मजहब का हो वो जानता था इस वक्त मुझे अपने मालिक का नाम लेना है। और उसके बाद क्या होता था, चंद दिन के बाद जब मांगने वाला आया, आज मां को देने की फुर्सत नहीं है, अब ये बच्चा ऐसा देने का आदि हो गया, ये चीखता था चिल्लाता था कि मां आया है कोई मांगने वाला, कुछ ना कुछ दे दे। और थोड़ा बड़ा हो जाता था उसके बाद स्कूल में देखता था ये गरीब है। हमने देखा अपने बचपन में बाद स्टूडेंट अपनी यूनिफॉर्म निकालकर गरीब को दिया करते थे, कापी का देना कलम का देना ये तो बहुत आसान बात होती थी, दिलों में मोहब्बतें थी, दिलों में शफकतें थी, दिलों में प्यार था, इंसानियत का प्यार था, ईमान वाले का प्यार था, पड़ोसी का प्यार था, रिश्ते का प्यार था। और घर में डांट पड़ती थी कहां छोड़ाया कापी, ये खामोशी से डांट सह लेता था। और उसके बाद जब बड़ा होता था हमने देखा मजदूर भी हो, मजदूर होता था वो घर आता था मोहल्ले में, आदत थी पुराने लोगों को मस्जिद में जाने की, इशा की नमाज पढ़ने गए, देखा अजनबी कोई उससे पूछते थे तेरा डेरा है कहीं, वो कहता था नहीं, आम लोग आदि थे हमामों में सोते थे मस्जिदों में सोते थे, अपनी चादर साथ रखते थे, कहते थे चलो हमारे घर चलो, वो मानता नहीं था। फिर ये घर जाते थे, घर वालों से खाना मांगते थे और कश्मीरी में उर्फता कहते थे मस्जिद मंसु खुदाई सुंद पूछ। और यहां भी ये रिवाज था, तब तक नहीं खाते थे जब तक उसको न खिलाते थे, फिर आके अपना खाना खाते थे। मगरिब ने हमारे माहौल को बर्बाद कर दिया और इस वक्त सल्तनतें खुद हमारा मुल्क मरकज से लेकर रियासतों तक मगरिब का ऐसा गुलाम हो गया, हमारी ये सारी अकदार खत्म हो गई, तमाम का तमाम सिस्टम बेकार कर दिया। अब वो जो छोटा बच्चा है उसको सेविंग की इतनी आदत हुई, ईद के दिन दूसरे लोगों के यहां बड़े दिन दिवाली के दिन होली के दिन आएगा रिश्तेदार, ये छोटा जो नहीं जानता पैसा क्या है ये उससे कहता है ईदी दे दो, उससे पूछते हैं तेरे पैसे क्या जरूरत, अभी शादी नहीं बच्चे नहीं कुछ नहीं, मेरे पास जो डब्बा है उसमें 450 जमा हो गया है, तुम 10 दे दोगे 460 हो जाएगा। और थोड़ा बड़ा हो गया, मुझे नहीं मालूम जम्मू में तो अच्छा माहौल होगा इंशाल्लाह, मुझे अपने यहां का माहौल है मालूम है, आज का जवान ये स्कूल का स्टूडेंट जो हमारा फ्यूचर है ये क्या करता है, ये तो किसी को कॉपी देता था किताब देता था, या आज फखरन स्कूल में अपने दोस्तों से कहता है कि जब कंडक्टर आगे से पैसा जमा कर रहा था अगली खिड़की से गाड़ी में चढ़कर, मैं पिछली खिड़की से सवार हुआ और जब आधा रास्ता तय हुआ वो पीछे पहुंच चुका था, मैं उतरकर अगली खिड़की से सवार हुआ, आज 3 दिन से मैंने किराया नहीं दिया। इस जुर्म को इस चोरी को वो अपने दोस्तों के साथ फखरन बयान करता है। और जब ये इस सिस्टम से बिगड़कर और बड़ा हो गया, अब इसकी तनख्वाह 1,00,000 रुपए भी हो तो जब तक हराम का रिश्वत का 500 का नोट फाइल में ना आए तब तक वो 50,000 की तनख्वाह इसके वर्क को हिला नहीं सकती। सिस्टम खत्म हो गया, एक ही सूरत है इस सिस्टम को ठीक करने की, वो है वापस आदम से लेकर मोहम्मद तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन पैगंबरों की सीरत को सामने रखकर
जिसको मुकम्मल करने वाले हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए हर साल जलसा होता है, हर साल सीरत सुनाई जाती है कि आदमी हर साल देखे कि मेरे इंसान बनने में, मेरे इंसान बनने में कितने सिटअप में आगे बढ़ गया, कितनी मेरी गलतियां मुझसे छूट गई। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो माफ कीजिए, मजलिस में बैठने का सवाब तो हमको जरूर मिलेगा, लेकिन इंसानियत की जो तामीर सीरत की मुराद है, इंसानियत की जो तामीर है वो नहीं हो पाएगी जब तक हमारा इरादा खुद ठीक बनने का नहीं होगा, अपने घरों को संभालने का नहीं होगा और अपनी सोसाइटी को संभालने का नहीं होगा। जो आयत मैंने पढ़ी थी उसमें इस बात को बताया था कि हमने जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे दरमियान भेजे, उनकी अजमतें वो तो दुनिया जानती है, लेकिन एक सिफत का तज़किरा किया था, लकद जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम, तुम पर कोई तकलीफ आती है, तुम पर कोई बोझ आता है, तुम पर कोई आफत आती है तो वो उस पैगंबर के नाजुक दिल पर बहुत भारी होती है। वो तुम्हारे साथ शफकत करते हैं, वो तुम्हारे साथ मोहब्बत रखते हैं, वो तुम्हारे साथ ताल्लुक रखते हैं, मामूली बात तुम्हारी ऊंच नीच की होती है उनके दिल को तकलीफ होती है। ये तकाजा करती है इस बात पर हमसे कि हमें भी सोचना चाहिए हमारी कितनी जिंदगी ऐसी है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हटकर है। अखीर में खत्म करते करते मैं आपको एक बुजुर्ग का वाकया सुनाऊंगा। निकाह की मजलिस में उसने सिर्फ दो बातें कही, अजीब गरीब, लोगों से कहा निकाह को तुम शादी कहते हो और शादी के मायने खुशी के हैं और वाकई खुशी मनाते हो। कहा माँ कहेगी कोई बात, बेटा फलां शाल अच्छी, कहता है अम्मा आज तेरा दिल खुश ना करूंगा, फिर कब, उधार लाना पड़े वही लाऊंगा। अब्बा ने कोई फरमाइश की वो किया, पड़ोसियों ने कुछ कहा वो भी किया, दोस्तों ने कहा वो भी किया, हत्ता कि कोई रूठा हुआ था उन्होंने कहा ऐसी खुशी मनाते हो कि रूठे हुए को भी मना कर लाते हो, तब तक शादी हो नहीं सकती जब तक रूठों को भी नहीं मनाते हो। फिर कहा क्या बात हुई, खुशी में तुमने सबको तो मनाया, सबके दिल को खुश किया, लेकिन उसके दिल को खुश करना भूल गए जिसने सजदे में रख कर, सर रख कर तुम्हारे लिए अल्लाह के दरबार में आंसू बहाए। वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल। एक ईमान वाले को बारहा ये एहसास होना चाहिए कि मैं अगर किसी ऑफिस में कुर्सी पर बैठा हूं मैं किसी की नुमाइंदगी कर रहा हूं, अगर मैं दुकान पर बैठा हूं मैं किसी की नुमाइंदगी कर रहा हूं, अगर मैं कहीं खेत में बैठा हूं मैं किसी की नुमाइंदगी कर रहा हूं। उन्होंने खोल खोल कर हर चीज बयान कर दी है और यह भी हमारा ईमान है कल कयामत में वजा रब्बुका वल मलक सफन सफा, जब तमाम मौजूद होंगे उस वक्त हम उनके सामने खड़े होंगे तो उस वक्त नजरें भी मिलानी होंगी। क्या हम इस पोजीशन में हैं कि उनके सामने उस वक्त अपना चेहरा उठाकर सामने अर्ज करेंगे हजरत हम आपके उम्मती हैं, जरा हमारी शफात फरमाइए, हौज कौसर पर हमें जाम पिलाइए। क्या हम दुनिया में ऐसी पोजीशन से गुजर रहे हैं, हम इतना सोच रहे हैं? मेरे भाइयों, सीरत की मजलिसों में इरादा कर लेना चाहिए, इरादा करते कोई देर नहीं लगती, कोई माहौल से बिगड़ता है। हदीस में फरमाया मेरे उम्मतियों ख्याल रखना, जिस सोसाइटी में रहोगे वैसे ही बन जाओगे। कभी इंसान बहुत नेक होता है, गलत लोगों में पहुंचता है, नहीं जानता सिगरेट बीड़ी क्या होती है, ऐसे दोस्तों में पहुंच गया, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता आदि बना दिया। मेरे भाइयों, इसका अच्छी तरह ख्याल करना है कि हम कैसी सोसाइटी में दिन गुजार रहे हैं। फरमाया कि तुम में से हर एक ऐसा बन जाएगा जैसी सोसाइटी में दिन गुजारोगे, इसलिए चेक करना पड़ेगा अपनी सोसाइटी को। और एक आखिरी बात है कि कल्ब में उनकी मोहब्बत बढ़ती रहेगी जब अपने टाइम टेबल में 24 घंटे में कुछ मिनट दुरूद पाक के पढ़ने के मुतय्यन कर लोगे। आज इस मजलिस में सबको आदत है टाइम टेबल की,
ये जहन में रखे, मुझे 24 घंटे के टाइम टेबल में कुछ मिनट ऐसे निकालने हैं, मेरे 100 200 500 पढ़ने वाले 10,000 भी पढ़ते हैं, मेरे 24 घंटे के निजाम में कुछ दुरूद पाक का सिलसिला आए जो मेरे दिल में उनकी मोहब्बत बढ़ती रहे और आखिरत में उनकी शफात नसीब हो।